आप ओलंपिक में व्यस्त रहे, लेकिन इस बीच भारत और श्रीलंका की सीरीज भी देख रहे थे, और जैसे ही श्रीलंका ने वनडे सीरीज अपने नाम की, उसके साथ एक कांड भी हो गया। आईसीसी ने श्रीलंका के एक खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग के आरोपों के तहत एक्शन लिया है। ये मामला इसलिए भी बड़ा है और अहम हो गया है क्योंकि आईसीसी का कहना है कि इस खिलाड़ी ने अपने विवादित मैसेज डिलीट भी कर दिए हैं। ये पूरा मामला क्या है और कौन है ये खिलाड़ी, इस वीडियो में आपको बताते हैं। गुरुवार को आईसीसी की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। इसमें उसने जानकारी दी कि श्रीलंका के खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमे को आईसीसी के एंटी करप्शन कोड के 3 नियमों का उल्लंघन करने का आरोपी माना गया है। इसमें मैच फिक्सिंग के लिए अप्रोच करने पर एंटी करप्शन यूनिट से संपर्क ना करना शामिल है। साथ ही 2021 में हुई लंका प्रीमियर लीग के दौरान सट्टेबाज और साथी खिलाड़ी द्वारा अप्रोच करने के बाद भी रिपोर्ट ना करने का आरोप भी आईसीसी ने इस खिलाड़ी पर लगाया है। जो तीसरा आरोप आईसीसी ने लगाया है वो ये है कि सट्टेबाजों या विवादित लोगों ने जो भी मैसेज किए हैं जिनमें मैच फिक्सिंग के लिए अप्रोच किया गया है, खिलाड़ी ने इन्हीं मैसेज को डिलीट कर दिया। आईसीसी के जो नियम हैं अब उनके मुताबिक प्रवीण जयविक्रमे को 14 दिन का वक्त दिया गया है जिसमें उन्हें जवाब देना होगा। आईसीसी ने इस बारे में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से बात भी कर ली है और ये तय हो गया है कि अगर खिलाड़ी दोषी पाया जाता है तो खिलाड़ी पर सभी प्रकार के मैचों में एक्शन लिया जाएगा, यानी इंटरनेशनल मैच भी और जो लीग वाले मैच होते हैं उन मैचों में भी। अगर आपको याद ना हो तो बता देते हैं कि प्रवीण जयविक्रमे सिर्फ 25 साल के हैं और श्रीलंका के लिए कुल जमा अभी तक 15 इंटरनेशनल मैच ही खेल पाए हैं। प्रवीण ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही 11 विकेट लिए थे और इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री की थी, लेकिन उसके बाद वो एक तरह से गायब भी हो गए। बीच में वो कोरोना का शिकार भी हुए थे, लेकिन अब जब वो फिर से खबरों में आए हैं तो सीधा मैच फिक्सिंग से जुड़ी बातें को लेकर ही सामने आए हैं। ये मामला भी तब सामने आया है जब एक दिन पहले ही आईसीसी ने फिक्सिंग के चक्कर में 5 खिलाड़ियों पर बैन भी लगाया है। अब आईसीसी के आरोपों का प्रवीण जयविक्रमे किस तरह जवाब देते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।